युग को आया अपनी ही मम्मी के ऊपर गुस्सा। जी हाँ, वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा। प्यार का पहला नाम राधा मोहन का, और वही एक तरफ आपको अपकमिंग एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली युग को आ चुका है अपनी ही मम्मी के ऊपर गुस्सा। जी हाँ, वेल दोस्तों, वह यानी कि आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली आपको पता होगा कि राधिका होती है आधी रात को अपने घर से गायब हो जाती है। जी हाँ, तो वही एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि उसकी मम्मी को यानी कि युग की मम्मी को पता चलता है चल जाता है कि कहाँ गई है राधिका। तो वही एक तरफ आपको देखने को मिलेगा फिर युग होता है अपनी मम्मी से पूछने लग जाता है कि बताओ आखिर राधिका कहाँ पे गई है, लेकिन जो युग की मम्मी होती है वो राधिका का पता नहीं बताती है। जी हाँ, तो वही एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो युग होता है गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में आने के बाद फाइनली कुछ उसके हाथ में आ जाता है, उसके हाथ में आने के बाद फाइनली अपनी मम्मी पे हमला करने वाला होता है। तो वही एक तरफ जैसे वो हमला करने वाला होता है वैसे उसकी मम्मी सच बता देती है और बोलने लग जाती है कि राधिका स्कूल के पास गई है। उसको शक हो गया है कि वो उसका बेटा स्कूल में ही है, इस वजह से वो स्कूल में गई है। जी हाँ, इसे देखने के बाद वो एकदम शॉक में पड़ जाता है, यानी कि इसे सुनने के बाद वो एकदम शॉक में पड़ जाता है युग कि अब वो क्या करेगा। जी हाँ, तो एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो राधिका होती है फाइनली वो स्कूल में पहुंच जाती है। जी हाँ, स्कूल में पहुंचने के बाद फाइनली वो मदन चिल्ला रही होती है। वेल, अब देखना ये होगा कि क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर। वेल, राधिका तो पहुंच चुकी है स्कूल के अंदर, क्या वो अपने बेटे से मिल पाएगी, क्या अपने बेटे को बचा पाएगी। वेल, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसे प्यार का पहला नाम राधा मोहन के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और किसी टाइप का क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।